सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आपने थंबनेल देखकर पता कर ही लिया होगा कि आज हम किस टाइप के फ़ोटो एडिटिंग करेंगे। तो आप सब जानते ही होंगे किस टाइप के फ़ोटो एडिटिंग करेंगे। देखिए मैं कौन सा फ़ोटो एडिट करूँगा। देखिए मैं ये एडिट किया हूँ उस पिक का। आप देख रहे होंगे कि ये पिक देखिए कितना बेकार लग रहा है। ओरिजिनल वाला पिक एकदम बेकार लग रहा है और एडिट किया हूँ वो पिक बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्नैपसीड में ओपन कर लेना है फ़ोटो को। स्नैपसीड में ओपन कर लेने के बाद गाइस, आपको सिंपली पेंसिल वाले पे क्लिक कर देना है। पेंसिल वाले पे क्लिक करके इसका एम्बियंस देखिए, इसको कम से कम इतना 43 या आप 70 या 80 भी रख सकते हैं, अपने फ़ोटो के मुताबिक रख लीजिएगा। और उसके बाद गाइस, पेंसिल वाले पे क्लिक कर देना है और सिलेक्ट सिलेक्ट करके आपको जहाँ जहाँ ब्राइटनेस कम होगा आप बढ़ा लीजिएगा। देखिए बार बार कीजिएगा ऐसे ही, मैं भी करता हूँ गाइस। ठीक, आपका जब तक मतलब ये ब्लैक ब्लैक सा था है वो हट ना जाए तब तक आपको करते रहना है। देखिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, सिंपली से आपको ब्राइटनेस बढ़ा लेना है और उसके बाद गाइस आप फिर से सिलेक्ट सिलेक्ट कर लेना है और आराम आराम से देखिए गाइस, आपको आराम आराम से करना है, आराम आराम से कर लीजिएगा। अब आपको फ़ोटो को शेयर कर देना है गाइस लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो चलिए हम फोटो को शेयर कर लेते हैं। मेरा फ़ोटो लाइटरूम में जा रहा है गाइस। सिंपली गाइस लाइटरूम में फ़ोटो आ जाने के बाद फ़ोटो को अपने ओपन कर लेना है। तो मैंने फ़ोटो को अपने ओपन कर लिया और लाइट पर क्लिक करना है और हाईलाइट कम और शेडो 2 सेकंड गाइस, शेडो इतना बढ़ा लीजिएगा, वाइट को कम और ब्लैक को कम। और उसके बाद देखिए सेकंड उसके आगे बढ़िएगा गाइस, देखिए वहाँ कलर वाला ऑप्शन होगा। 2 सेकंड पहले हम सेटिंग बना लेते हैं इसका। इसका ग्रीन वाला सेलेक्ट करके कम बेस कर लीजिएगा गाइस, मतलब अपने मुताबिक से बैकग्राउंड बना लीजिएगा। बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता है, वो आप सभी अपने मुताबिक बना सकते हैं, तो बना लीजिए। और सेकेंड वाले को सैचुरेशन कम और लाइट इतना पे कर देना है, देखिए सिंपली से। और फिर से गाइस फर्स्ट वाले से सिलेक्ट कर लेना। चलिए मैं कर लेता हूँ फर्स्ट वाले पे सिलेक्ट करके इसका सैचुरेशन कम 2 सेकंड गाइस थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा और लुमिनस कम और यू मतलब सेटिंग देख लीजिए गाइस। मैं इधर उधर बोल देता हूँ, कोई बात नहीं गाइस, मतलब आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा गाइस, मेरे बात पे ध्यान मत दीजिएगा, इधर उधर हो भी जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए सैचुरेशन, ये सबको सैचुरेशन कम कर लेना है और इस सैचुरेशन यहाँ का जो एम्बियंस है इसको वाइब्रेशन इसको हल्का सा बढ़ा देना है। देखिए क्वालिटी को बढ़ाना है, टेक्सचर को बढ़ाना है, हल्का हल्का सा सबको बढ़ा लीजिएगा गाइस और विग्नेट को हल्का सा कम कर दीजिएगा और फोटो को सैपेनिक्स हल्का सा दे देना है। नाइट्रोक्सन और कॉन्ट्रास्ट और कलर नाइट्रोक्सन और दोनों फुल कर देना है और इस दोनों को ऑन कर लेना है गाइस। अब स्नैपसीड में फ़ोटो को ओपन कर देना है गाइस और स्नैपसीड में ओपन कर देने के बाद गाइस सिंपली से पेंसिल वाले पे फिर से क्लिक करना है और इसका एम्बियंस को बढ़ाना है। देखिए आपको अपने फ़ोटो को मुताबिक, मैंने बोला गाइस कि अपने फ़ोटो का ही मुताबिक रखिएगा, मेरे मन से मत रखिएगा, अपने फ़ोटो के मुताबिक रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। फिर से सिलेक्टिव वाले पर सिलेक्ट करना है और फिर से वहीं सेम टू सेम कर लेना है गाइस। तो चलिए मैं कर लेता हूँ। देखिए गाइस मैं आराम आराम से करूँगा, मेरा क्योंकि ये ब्लैक ब्लैक सा है तो बहुत बेकार लग रहा है, इसलिए मैं आराम आराम से ये सब कर लूँगा गाइस। आराम आराम से कर लीजिए गाइस। देखिए ध्यान से स्क्रीन पे ध्यान दीजिए गाइस, मेरे बातों पे नहीं, क्योंकि मैंने ये वीडियो आगे बनाया हूँ और बोला बाद में हूँ, तो इसलिए बात मेरा इधर उधर हो जाएगा गाइस। तो इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ गाइस कि वॉइस साथ में नहीं बोला वीडियो के साथ में, इसलिए। तो आपको देख लीजिए गाइस जैसे मैं कर रहा हूँ, सेम टू सेम देखिए कैसे कर रहा हूँ। आराम आराम से जहाँ ब्लैक होगा वहाँ से आराम आराम से आप बढ़ा लीजिएगा। देखिए गाइस आराम से गाइस, मेरा कॉल आ गया था एक, तो इसलिए थोड़ा यहाँ मेरा वॉइस कट हो गया, कोई बात नहीं गाइस, आप समझ रहे होंगे। आराम आराम से जहाँ जहाँ ब्लैक है गाइस वहाँ वहाँ बढ़ा लीजिएगा ब्राइटनेस। देखिए मैं बढ़ा लिया हूँ। अब आपको क्या करना है गाइस, फ़ोटो को शेयर कर देना है
टूलबीज अप्लीकेशन में जहाँ पे हम हेयर बनाएंगे, तो हम धासू सा बहुत ही अच्छा हेयर मेरा होगा। तो गाइस देखिए टूलबीज अप्लीकेशन में मेरा फोटो शेयर हो रहा है। तो गाइस टूलबीज में आप एक गलती जरूर एक बार जरूर करते हैं, सीधे आप ऑयल पेंट मार लेते हैं। तो कभी भी आप सीधे ऑयल पेंट मारिएगा, सबसे लास्ट वाले में आ जाइएगा, सेकेंड पर क्लिक करके सर्फ में इस पर देखिएगा कौन सा अच्छा आपके बालों में जच रहा है, सिलेक्ट कीजिएगा और 50% रख कर और मास्क पे क्लिक करके क्लीन करके और ये बालों पे सिर्फ अप्लाई कर लीजिएगा, बालों पे आराम से अप्लाई कर लीजिएगा। इसमें भी कर लेता हूँ गाइस, और अप्लाई कर लेने के बाद बालों पे अपने गाइस ये इफेक्ट वाले पे क्लिक करना है। और यहाँ से आप सब जानते ही होंगे गाइस कैसे यहाँ बाल बनाया जाता है, आप सबको मैं पहले भी बता दिया हूँ गाइस। इसमें तो देखिए आराम आराम से चला लीजिएगा, बहुत ही छकास मेरा बाल लगने लगेगा, एकदम फुल HD में लगेगा, एकदम गर्दा फोटो लगेगा गाइस। आप एक बार टूलबीज एप्लीकेशन को डाउनलोड करके देखिए, बहुत ही अच्छा ऐप है गाइस बाल बनाने के लिए। ये गाइस अब हमको फोटो को शेयर करना है ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में। तो ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में आ जाने के बाद गाइस देखिए ये वाला ब्रश सिलेक्ट कर लेना है और सेटिंग आप देख रहे होंगे, मैं पहले भी सेटिंग बता चुका हूँ, और आराम आराम से अपने फ़ोटो को स्मूथ कर लेना है। तो चलिए गाइस मैं फ़ोटो को स्मूथ कर लेता हूँ। देखिए गाइस मेरा फ़ोटो स्मूथ हो रहा है आराम आराम से, देखिए आप कर लीजिएगा, मैं वीडियो को फास्ट कर दिया हूँ। तो गाइस मैं आप सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरा 1K कंप्लीट करवा दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, बहुत आपको क्या बताऊँ यार, दिल से धन्यवाद है गाइस, क्योंकि आपने 1K कंप्लीट करा लिया। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो गाइस लगता है मेरे को 10K या 100K भी कंप्लीट करने में टाइम नहीं लगेगा गाइस। तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए गाइस, क्योंकि आपने इतना कम समय में कराया है, तो यार क्या कहूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। तो देखिए ऐसे आराम आराम से आपने फेस को स्मूथ कर लेना है गाइस। देखिए इसमें मेरे आज वॉइस पे ध्यान मत दीजिएगा, बेसी मेरे स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे देंगे ध्यान तो बहुत अच्छा एडिटिंग सीखेंगे। और देखिए गाइस जितने आप आराम आराम से फेस को स्मूथ करेंगे उतने ही अच्छा एकदम एक ट्रेवटी, मतलब बहुत ही अच्छा आपका पिक लगेगा गाइस, आपका पिक बहुत ही मतलब ऐसे एक्सट्रेवी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आराम से स्मूथ करते हैं। तो गाइस मेरा मतलब इस वाले फ़ोटो में और मेरा एडिटिंग वाले फ़ोटो में मतलब थोड़ा बहुत गाइस चेंज हो जाता है, कोई बात नहीं, क्योंकि सेम टू सेम नहीं हो पाता है, हल्का फुल्का तो चेंज होगा ही भाई करेंगे तो, इसीलिए तो आपको सिंपली से पिक्सआर्ट में फ़ोटो को ओपन कर लेना है गाइस। देखिए मेरा पिक्सआर्ट में फ़ोटो ओपन हो रहा है, तो आप लोग भाई सोच रहे होंगे कि थोड़ा बहुत मतलब ये कर देते हैं। देखिए भाई हम लोग ये सेटिंग बताते हैं, ये है जो ये सब सेटिंग है, अगर आप इसको इस तरह फॉलो करेंगे तो आप भी एक बार फ़ोटो बनाकर इस तरह देखिएगा, आपका बहुत ही अच्छा पिक लगेगा। तो सिंपली से गाइस आपको क्या करना है, लाइट PNG लगा लेना है। देखिए ये लाइट PNG रहा, अब आपको देखिए यहाँ नीचे आना है और स्क्रीन कर देना है, और ऐसे देखिए फैला दीजिएगा और यहाँ पे लगा दीजिएगा आराम से लगा। देखिए गाइस आपको जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ लगाइएगा, मेरे को यहाँ अच्छा लगा तो मैं लगा लिया। अब क्या करना है इसको कर देना है, अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को कम हल्का सा कम करना है गाइस, और कर देना है डाउन, और फिर से हम एक PNG ऐड करेंगे गाइस लूडो का। तो देखिए जाते हैं ऐड करते हैं, तो सेकेंड लेकर आ रहा हूँ गाइस। देखिए गाइस ये रहा लूडो का PNG, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई पे वहाँ जहाँ से इस लाइट का PNG सेलेक्ट ये थी कि है वहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा स्क्रीन के नीचे होगा, और करके बढ़िया से शिफ्ट कर दीजिएगा इसको हाथ में बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से अपने हाथ में ले लीजिएगा इस। देखिए जैसे ऐसे लगे कि लिया है हाथ में, ऐसे सेट कीजिएगा, पहले हम सेट कर लिए हैं गाइस। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है मेरा पिक गाइस, कितना इमोजी लग रहा है। तो चलिए धन्यवाद गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।